हेलो गाइस, आई एम संजय धवन SKN। तो आज का जो प्रैक्टिकल है वो हम एक ग्रेफाइट रॉड के ऊपर करने वाले हैं, विद शॉर्ट सर्किट। अब क्या है, ग्रेफाइट रॉड तो लेने जा नहीं सकते बाजार में इस लॉकडाउन के समय में, तो मैंने 5 रुपए की पेंसिल खरीद लाया है, उसके साथ करेंगे जो भी प्रयोग करना है अपन को। तो ठीक है, अपन अब करके देखते हैं क्या होता है। ओके, तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए अपन को इन सामानों की जरूरत पड़ेगी। एक चाकू, 2 सेफ्टी पिन होना चाहिए, ये सुई भी चल जाएंगे, 24 वोल्ट DC, 2 वायर और 1 स्क्रू। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो मैंने इसको इस तरह से जोड़ दिया है, एक पिन उसकी इस तरफ लगा दी है और एक ये इस तरफ लगा दी है, और एक टर्मिनल को पहले से ये जोड़ रखा है मैंने, और दूसरे को मेरे को इसके साथ इधर 24 वोल्ट में जोड़ना है, जो ये इस पार्क हो रहा है इधर। तो ठीक है, इसको अपन करके देखते हैं क्या होता है। ओके गाइस, तो मैं सर्किट कंप्लीट करता हूँ, क्या होता है देखते हैं अपन लोग। मुझे सच में नहीं पता वैसे क्या होने वाला है, लेकिन मैं फिर भी बना रहा हूँ कि आगे क्या होने वाला है। चलो देखते हैं इससे क्या होता है। बस ये पता है मेरे को कि ग्रेफाइट गर्म होता है। अब देखो इससे कितना गर्म होता है। ठीक है, ओके गाइस, इधर क्या होता है, ये देखो धुआं निकलने लगा है इस साइड से, ये जो धुआं निकल रहा है, और इस साइड अभी कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रहा, मगर इधर धुआं निकल रहा है बहुत तेजी से, इधर इधर भी निकलने लगा। गाइस सच में बहुत बहुत भयंकर की बदबू आ रही है, सच में पूरा की पूरी पेंसिल बिल्कुल उसमें फोले से पड़ने लगे हैं, ये जो बबल से देख रहे हैं आप वो पढ़ने लगे। देखो गाइस आगे क्या होता है। मैं वैसे पहले इसको दोनों तरफ से काट के बाहर लगाने वाला था, मैंने कहा यार चलो अब इसको दोनों तरफ से सुई लगा दें। तो आप देख ही सकते हो इधर क्या होने वाला है, देख क्या हो रहा है। देखो इधर से देखो कैसा, मतलब बहुत प्रेशर से फेंक रहा है धुआं। देखो देखो गाइस, देखो क्या हो रहा है। बहुत बुरी बदबू आ रही है गाइस, मुझे सच में नहीं पता था कि ये इतना गर्म हो जाएगा। शायद ये पेपर भी जल जाएगा जो इसके नीचे डला है, इसलिए मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ चाकू की मदद से। गाइस बहुत भयंकर की बदबू आ रही है, और वहां की पूरी नटराज की पेंसिल जल चुकी है। देखो मैं आपके सामने बिल्कुल नई की नहीं लाया था, शायद कहीं से सर्किट में प्रॉब्लम हो रही है इसलिए ये पूरा जल नहीं पाया है। देखो इसकी हालत, देखो गाइस देखो कितना खराब हालत हो गई है इसकी। ओके गाइस, मैं इसको दोबारा ट्राई करके देखता हूँ क्या होता है। ओके गाइस, आप देख सकते हैं इसका क्या हुआ, इसका क्या आसन हुआ है। ये जो ग्रेफाइट रॉड है वो इस तरफ आ गई है, और ये वहां की बहुत गर्म है अभी, ये लकड़ी इस ये रह गई है। तो इसको देखते हैं आगे अब क्या होता है, बहुत गर्म है, चलो देखते हैं। तो भाइयों एवं बहनों, ये अब पता नहीं कौन कौन देख रहा है इस वीडियो को, पता तो है नहीं, तो मैं बता दूं कि जो ये ग्रेफाइट था ना, जो रोड, वो इन दोनों से लकड़ी के जो गत्ते हैं इनसे अलग हो गई है, और देखो इसकी कितनी खराब हालत हो गई है। और मैं इसमें अब इसका क्या सर्किट कंप्लीट करके अपन को दोबारा देखना पड़ेगा कि ये कितना गर्म होता है। तो ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं अपन लोग। चलो ठीक है, इसका सर्किट कंप्लीट कर देते अपन लोग।
चलो ठीक है, इसको अपन ने सर्किट कंप्लीट कर दिया है। अब देखो ग्रेफाइट रॉड का क्या होता है, पहले तो अपन को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कागज ना जल नहीं पाए, जो ये पेपर है वो जलने ना पाए। देखो गाइस ये कितना गर्म होता है, ओके गाइस अभी ये दिख नहीं रहा वैसे कि ये कितना गर्म हो चुका है, लेकिन बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। ये अपन को अब ऐसे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन अब इस पे क्या करते हैं, जो प्लास्टिक है ये प्लास्टिक, इसको अपन इसके ऊपर डाल देते हैं, इससे पता चल जाएगा कितना गर्म हो रहा है। देखो गाइस ये पूरा पिघल चुका है, क्या है कि उजाले के कारण सही से पता नहीं चल पा रहा है कि कैसा क्या हो रहा है, कितना गर्म हो रहा है, इसकी मतलब इसका टेम्परेचर सही से पता नहीं चल पा रहा। वैसे अगर उजाला नहीं होता तो इधर पे लाल लाल दिखता है ये। देखो ये प्लास्टिक अलग हो चुका है, अगर वैसे कोई घर पर 5 वोल्टेज या फिर 24 वोल्टेज डीसी से सोल्डरिंग आयरन बनाना चाहे तो बना सकता है ग्रेफाइट रोड से। बाकी वायर में कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई गर्म नहीं हो रहा वायर। बहुत भयंकर की बदबू आ रही है प्लास्टिक की, क्या है कि जो मेरे सोलर पैनल ऊपर रखे हुए हैं ना, तो अभी धूप कम हो गई है इसलिए ये बहुत धीरे धीरे वर्क कर रहा है, मतलब इसका वोल्टेज कम हो गया होगा या एम्पियर कम हो गया होगा, इसके बारे में मेरे को पता तो नहीं है, लेकिन अभी इसलिए ज्यादा नहीं हो रहा। जो धूप आएगी तो अपन इस वीडियो को दोबारा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके गाइज धूप दोबारा से अच्छी तरह से निकल आई है, चलो अब देखते हैं अपन सर्किट कम्प्लीट करके। ओके गाइज मैंने सर्किट कम्प्लीट कर दिया है, ये देखो जो प्लास्टिक है वो लिक्विड फॉर्म में जा रहा है, गाइस तो मैंने ये नेगेटिव टर्मिनल में ये एक और वायर लगा लिया है, क्या है कि अब दूर दूर से तो बहुत कम गर्म हो रहा है, अब देखते हैं पास भी कितना गर्म होता है। तो ये सुई में जो वायर लगा हुआ है ये इधर पास में ये पॉजिटिव टर्मिनल के पास में करके देखते हैं क्या होता है। देखो गाइस देखो कितना भयंकर तरीके से सुई गर्म हो रही है, बहुत स्पार्किंग भी बहुत तेज कर रहा है और पास में भी और तेज कर रहा है सुई भी। तो गाइस इधर इसको टच कर दिया है, देखो गाइस ये बहुत तेज गर्म हो रहा है, लाल पड़ गया सुई। अब आप पूछेंगे कि ये पापा आपके पास 24 वोल्ट डीसी कहाँ से आ रहा है, तो गाइस मेरे पास क्या है, 2 सोलर पैनल है जो मैंने पिछली वीडियो में बताए थे, उधर जाके देख सकते हैं क्या। अभी बहुत तेज धूप पड़ रही है तो मैंने कहा छत पे यार अच्छा नहीं रहेगा ये वीडियो बनाना, उधर गर्मी लगेगी फालतू, तो अपन एक काम करते हैं इधर अंदर घर के अंदर बना लेते हैं। इसलिए देखो ये भी बहुत तेज लाल पड़ी जा रही है,
जो रॉड है और वहाँ की सुई तो पहले से ही लाल पड़ रही है। आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लें मेरे चैनल को, क्योंकि ऐसे ही प्रैक्टिकल में आप लोगों को बताता रहूँगा। गाइस बहुत तेज स्पार्किंग हो रही है इधर। बहुत लाल पड़ रहा है। बाकी बहुत तेज देखो गाइस, ये बिल्कुल लाल पड़ा हुआ है। इधर भी ये सुई भी लाल है। ऐसा लग रहा है जैसे लोहा गर्म हो गया है ना। ये भी बिल्कुल सुई में दम नहीं बची है इस पार को होके। मेरे को भी ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कई आग पे हाथ रख दिया हो जो ये हाथ है। बहुत बुरी तरह से देखो, शायद ये पिघलने वाली है सुई। देखो जहाँ पे ग्रेफाइट रॉड और जो हमारी सुई टच हो रहे हैं उधर पे देखो कितना भयंकर लाल पड़े जा रहा है। रिस्क पार्क भी कर रहा है गाइस। तो इसमें इधर को इस पे तेज गर्म हो रहा है। गाइस बिल्कुल सुई पिघलती जा रही है। इधर तो और भयंकर तरीके से देखो एकदम जल्दी जल्दी लाल हो रहा है। इस पर करंट भी कर रहा है। ये हो रहा है लाल बहुत तेज तरीके से। ये पेपर भी पूरा जल गया है। ओके गाइस तो इधर इसको एंड करते हैं। बाकी जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और कमेंट करते जाइए। ओके गाइस द एंड। बाकी कैसा लगा सब बता दीजिए हमको।